माननीय शशि कुमार जी, जिला प्रमुख मैडम मनीष जी, रविंदर जी, मनोहर जी, सभी मंडल के विधानसभा के चारों विधान मंडलों के अध्यक्ष साहबान, पदाधिकारी साहबान और मेरे सामने बैठे सभी पन्ना प्रमुख साहबान, आज ये पन्ना प्रमुख का सम्मेलन है। अगर हम इसको गहराई से देखें तो सबसे मजबूत गरीब पन्ना प्रमुख है पार्टी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, एमपी साहबान हो या एमएलए साहबान हो, उन सबको बुलाने में अगर किसी का महत्वपूर्ण रोल है तो पन्ना प्रमुख का। अब हम इसको केवल आसानी से एक ऐसी सोच के बात रहे हैं कि मैं केवल कार्यक्रम में पन्ना प्रमुख हूं, मेरा दैनिक मेरे बूथ नंबर 81 के अंदर मैं भी पन्ना प्रमुख हूं, देश के प्रधानमंत्री भी पन्ना प्रमुख हैं। इस सिस्टम को लागू करने से पहले बड़ी गहराई से सोचा गया और जब हम 2014 के लोकसभा चुनाव में बहन सुषमा जी जो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रही थी तो हमने ये एक्टिविटी पन्ना प्रमुख का क्या क्या काम है उसको बढ़ा गहराई से देखी। हकीकत में अगर हमने किसी भी संगठन को मजबूत करना है तो संगठन के उस हर कार्यकर्ता को उसके अधिकार देने पड़ते हैं। मुझे आज भी याद है कई बार चाहे वो लेफ्ट की पार्टियां हो, दूसरी की तरह हार की पार्टियां हो, और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और इसीलिए आप लोगों ने इस संगठन की मजबूती के कारण बहुत लंबे अरसे के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। पन्ना प्रमुख हो, इलेक्टेड गांव का मेंबर पंचायत हो, सरपंच हो, डीडीसी हो, जिला परिषद हो, या वो प्रमुख हो, या विधानसभा का एमएलए और लोकसभा का सांसद भी हो, सबकी जिम्मेवारी केवल ड्यूटी नहीं जिम्मेवारी और उनके अधिकार क्या होने चाहिए। आज पन्ना प्रमुख 30 कुर्सियां हैं एक पन्ने के अंदर। मैं बधाई देता हूं शशि जी को और सभी मंडल अध्यक्षों को, इन्होंने पूरी 30 एक पेज की कुर्सियां लगाई, एक से लेकर एक पेज के ऊपर 30 आदमी होते हैं, दूसरे पेज पर 30, और उसी लाइन के हिसाब से आप लोगों ने कुर्सियां लगाई। एक मैसेज है कि हम कितने संगठित हैं। और उसके बाद पन्ना प्रमुख की क्या क्या ड्यूटीज हैं, उन 60 आदमियों का जो भी काम है, जो भी काम है, पीने का पानी भारत सरकार या प्रदेश की सरकार ने जो पैसा दिया है, क्या सब घरों में शुद्ध जल मिलता है, कहीं पानी की लीकेज तो नहीं है, क्या उन 60 के साथ वोटर के पास बिजली का प्रबंध ठीक है, उसकी गली की पोजिशन क्या है, उस मौके में कम्युनिटी हॉल की क्या पोजिशन है। अगर सर्दी भी पड़ जाए, ओवरस्ट भी हो जाए, तो वो पन्ना प्रमुख जिम्मेवारी लेगा कि फला फला के खेत में ये नुकसान है, पटवारी और नेताओं उनको डायरेक्शन देगा कि आप ये काम कीजिए। स्कूल में कोई पढ़ाई है, स्कूल का टीचर क्या सभी को पढ़ाता है, लेकिन अभी हमारी एक शुरुआत है, क्योंकि अभी पन्ना प्रमुख बेचारे केवल पन्ना प्रमुख तो उनके उनको एक बात अगर कोई है तो इस बात का है कि पन्ना प्रमुख किसको काम करेंगे। वो मंडल अध्यक्ष के पास जाएगा, पहले शक्ति प्रमुख के पास जाएगा, फिर मंडल अध्यक्ष के पास जाएगा और फिर जिला प्रधान के मार्फत, क्योंकि कोई भी सरकार सिर्फ पार्टी बड़ी होती है, पार्टी ही फैसला लेती है प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन,
होगा और सबसे अच्छी इकाई है कोरोना प्रबंधन। उन्हीं का फैसला प्रदेश की सरकार लेती है, उन्हीं के बताए हुए रास्ते को केंद्र की सरकार करती है। क्या आवश्यकता किस चीज की है, हमें किस चीज को पूरा करना है, ये नहीं कि कोरोना प्रबंधन है गाँव में जाओ उसी 60 आदमियों वाले कोई काम कर जाए और उस कार्यक्रम में अपन काम ना कर पाए तो सबसे ज्यादा गालियां खाता है। लीडर तो बच जाता है, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लोग इसके जरूर हो जाते हैं और सबसे ज्यादा मार पड़ती है कोरोना प्रमुख। मेरे को कोरोना प्रमुख तो बनाया लेकिन जो मैं करता हूं मेरा बनने के 60 आदमी है उनके छोटे छोटे काम है, अब उनके ऑनलाइन सारी चीजें डाल देती सारी चीजें पोर्टल के ऊपर। क्या हम उस काम को ग्राम रक्षक पोर्टल पर पंचायत के प्रस्ताव से लेकर क्या हम पोर्टल को डाल के उस काम को करवाने के लिए हम कितने अग्रसर हैं? तभी आप जाके इफेक्टिव सिद्ध होंगे जब उस पन्ने के 60 आदमियों को वो पन्ना बनना उन छोटी समस्याओं को दूर करवा पाए। अगर वो दूर नहीं होती तो ये मार्ग के जरिए फिर पहले चुनने के प्रतिनिधि हम उनके हालात भी ऐसे हो जाएंगे। इसलिए ये ट्रेनिंग सेंटर भी है, आज तक ये कैंप है, ये ट्रेनिंग सेंटर भी है। क्या हमें यहां से निकलकर हमें पूरा ट्रेन होकर जाना है कि मेरे पास उनसे आदमी और भी हैं जिनकी देख रेख रखना, जिनके वोट का ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी है। चुनाव हाथ ही होते रहते हैं लेकिन उसके बाद वो जिम्मेवारी पड़ती है वो सबसे ज्यादा फिर करना प्रमुख पड़ती है। वरना बहुत जल्दी कि जब जब भी प्रदेशों में देश में बदलाव आता है तो बदलाव केवल इसलिए आता है तो जो वक्त जिम्मेवारी लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती तो उसका नुकसान होता है। इसलिए हम जब भी किसी गांव में जाते हैं, शहर के किसी वार्ड में जाते हैं तो हमें फिर छोटी समस्याएं बहुत ज्यादा खड़ी होती जाती है। उदाहरण के तौर पर आयुष्मान कार्ड है, जीरायु कार्ड है, क्या आपको उस 60 में जो तकरीबन 15-16 घर बन जाते हैं उन 15-16 घरों में कोई 1,80,000 से कम कीमत का यानी 1,80,000 से कम आमदनी दिखती है उस गरीब आदमी को कोई बीमारी तो नहीं है, उसका कार्ड बना या ना बना, अगर वो बीमार है तो पहले के हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में उसकी मदद करी या ना करी, ये सारी जिम्मेवारी कोरोना प्रमुख की है, सारी जिम्मेवारी कोरोना प्रमुख की है। हमने बहुत से प्रदेशों में बहुत सी सरकारों को जो देखा, पार्टियों को देखा, वहां पर इस प्रकार की बातें वो क्षेत्रीय दल भी पूरी करवाते हैं। आज हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और अगर राष्ट्रीय पार्टी का पन्ना प्रमुख कमजोर पड़ जाएगा तो मान के चलिए फिर सारा सिस्टम कहीं ना कहीं संगठन में कमजोर जाएगा। लेफ्ट पार्टी जिसको हम सीपीएम बोलते हैं, बहुत लंबे समय तक उन्होंने वेस्ट बंगाल में सरकार चलाई लेकिन उनका जो संगठन था वो संगठन धास है वो, और एक वक्त पर मैंने उनका संगठन मजबूती से देखा। अपने देववाड़ा का था एक जयदेव, देववाड़ा का शेख था जो कलकत्ता रहता, उस शेख अभी तो 15-20 साल पहले वो नहीं रहे दुनिया में, उसका 4 एकड़ में बड़ा बंगला था हावड़ा के अंदर कलकत्ता के अंदर, और उसके पानी के अंदर एक कोठी भी थी जो वाटर लेवल बढ़ जाता था तो कोठी अपने आप में पूछ जाती थी। देववाड़ा के बहुत से साथियों ने देखा भी होगा, मुझे एक दिन बताने लगा, मैं उसका सुबह सुबह नाश्ता करने जा रहा हूं, चौधरी बंसीलाल जो रेल मंत्री थे मेरे स्पोर्टिंग मार्ग, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर ज्योति बसु, और ज्योति बसु को बंसीलाल जी ने वहीं बुला लिया और उसकी एक शिकायत थी। मैं केवल संगठन की बात कर रहा हूं, मैं संगठन कितना मजबूत होना चाहिए। ज्योति बसु को शिकायत करी कि मेरे इस 4 एकड़ के अंदर से आपके वर्करों ने
बीच से रास्ता निकाल लिया गाड़ी को आता मकान इस तरफ आता है और आप मान लग गए इधर जाओगे सुन के बाद जो तीन पशु ने वहां के मंडल के महामंत्री से बात मंडल के महामंत्री से तो भाई आपने ये क्या करते हैं मुझे बताओ और उस मंडल का महामंत्री क्या करता है व्यक्ति पशु को ये आपका काम नहीं है ये हमारा काम है और मुख्यमंत्री बोला कि मैं इनसे ऊपर जाकर कुछ नहीं कर पाऊंगा इसलिए आप मुझे बात और जब तक बनना प्रमुख शक्ति प्रमुख मंडल अध्यक्ष इस प्रकार का संगठन मजबूत करके जहां भी पार्टी की सरकार हो वहां भी अगर कमजोर पड़ेंगे तो समाजी कहीं कहीं कमजोर भी आते वरना क्योंकि एक ऐसी संगठित पार्टी जिसकी दुनिया में जिसके सबसे ज्यादा मेंबर हो आज हमारा शक्ति प्रमुख से लेकर बनना प्रमुख तक मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक संगठन के दूसरे पदाधिकारी इस प्रकार कोई ट्रेनिंग लेकर ट्रेंड नहीं होंगे वरना फिर शिकायत आए कि ये आदमी खराब है और अपना काम करवा जा रहा हम तो यही बैठे रहे हमें तो सुने ही ये आपको हर जगह शिकायत मिलेंगे इसलिए हम ट्रेनिंग के लिए कोई चीज पूछना है हमारे बड़े बड़े लोग जो भी आते हैं चाहे वो किसी बड़े पद पर हो जब तक हम अपना सुझाव देते कि अगर संगठन को मजबूत करना है तो हमारे खड़ा खड़ा सुझाव है और आज के दिन को सुझाव देखे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है ये मोबाइल में सारी चीज अपलोड हो जाती है अब जो भी चीज लिखना चाहते हैं उसको लिख के भेज सकते हैं इसलिए एक नया भारत और नए भारत में हमारे पुन्ना प्रमुखों का क्या रोल हो सकता है मैं मान के चलता हूं इस आज मीटिंग का सबसे बड़ा अगर हमने कोई फायदा लेना है तो इस पुन्ना प्रमुख इस प्रकार से तैयार होकर जाए तो अपने अधिकार के लिए अधिकारों का प्रयोग करके अपने उस उच्चक बचे हुए आदमियों को पूरी तरह से उनकी समस्याओं का समाधान किस लेवल पर कैसे होगा और आज तो देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी स्कीम है वो सारी की सारी कंप्यूटराइज कर दी सारी की सारी तरीके आज तो हम ये भी कह सकते हैं कि फला टाइम पर बस आती थी नहीं आती मोबाइल के ऊपर हम बात सकते हैं कि एक घंटे से सवारी बैठी बस का टाइम लिए था क्यों नहीं आई ये सड़क टूटी हुई है इसका पैसा कब आया कब लगा हमें बताया पार्टियां भी लगती है स्कीम जो अलग से है और अगर स्कीम देखोगे प्रदेश और केंद्र की तो मेरी समझ में आम जीवन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं पानी बिजली सड़क फूड हेल्थ एजुकेशन सारी चीज तो हमें शामिल कर सकती है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ऐसे मौके के ऊपर हमारी मंडल अध्यक्षों को भी थोड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो पहले ट्रेन हो फिर वो नीचे ट्रेन करें उदाहरण के तौर पर अभी जिला परिषद से लेकर पंचायत के मेंबरों तक के लिए ट्रेनिंग सेंटर है उनको बता रखे कि आपका अधिकार कौन सा है और अगर आप अपने अधिकार को समझने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाओगे तो नीले थोड़े फेरे जाने की जरूरत नहीं बुहानी में भी सेंटर है हमने ये 8-9 में बुहानी में भी ट्रेनिंग सेंटर बनाया था लेकिन बदकिस्मती से इलेक्टेड आदमी भी इनको भी अधिकारी और कर्मचारी के को बना देते हैं कि यह आपका अधिकार नहीं है ये तो हमारा है जबकि अधिकारी और कर्मचारी तो केवल तनख्वाह लेते हैं आपके टैक्स से और हमें बेको बनाने के लिए वो सरपंच को भी जिला पार्षद को भी चेयरपर्सन को भी इस प्रकार से समझाएंगे कि ये आपका काम नहीं है अरे भले आदमियों किसका काम है कानून बनाना केंद्र की सरकार का काम है प्रदेश की सरकार अपनी स्टेट में कानून बनाती है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तो अधिकारी तुम्हारे पैसे से तनख्वाह लेते हैं और वो अधिकारी का चाहिए अधिकार तो मेरा है ये नहीं करना चाहिए
अधिकारी का काम है काम करना। इलेक्टेड आदमी कोई भी हो, उसका जो दायरा है उस बारे में अगर काम करवाना है तो मेहरबानी करके आप भी जो सुने हुए आदमी है और फिर ट्रेनिंग जरूर है। इसीलिए आपका यह बनना प्रमुख, जिसमें आप सभी बैठे हो, शक्ति केंद्र के प्रमुख भी हैं, मंडलों के भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, तो इसलिए इस आदमी ने तो सलाह दे दी है। ये मैं सबसे पहले इसीलिए बोल रहा हूं कि जिस आदमी ने तो सलाह देनी है उनको मेरी रविंद्र जी पाएंगे ताकि वो अपनी सलाह दे सके। हमें देश को 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में जाके आना है और हमें कहां कहां कठिनाई आती है उन कठिनाइयों को दूर करने का काम नेतृत्व का है ताकि उनको सही समय पर हम ठीक करवा सकते। और मैं मुकेश से प्रार्थना करूंगा, मुकेश बोल रहा है।